नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता डॉट कॉम किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूँ के आटे का बहुत ही टेस्टी चटपटा नया नाश्ता की रेसिपी, जो कि खाने में एकदम खस्ता क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है, जो आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगा। इसे आप सुबह शाम की चाय के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आटा लगा के तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, लगभग 250 से 300 ग्राम के करीब। इसमें हम आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे नमक, आधा चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे, थोड़ा सा लाल कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें हम डालेंगे कलौंजी। इसी के साथ इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे और मोइन के लिए इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे कि खूब अच्छे से इस तरह से हाथों से रफ करते हुए आटे में मिला लेंगे, ताकि मोइन हमारा अच्छे से आटे में लग जाए। तो खूब अच्छे से इसको हमें मिला लेना है और जैसे ही ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तब इस तरह से आटे को हम इस तरह से जोड़ के देख लेंगे। तो ये देखिए, ये मुट्ठी बांधने पर अच्छे से बच जा रहा है, एकदम से आटा जुट जा रहा है, और ये तोड़ने पर अच्छे से टूट जा रहा है, मतलब कि ये बिखर जा रहा है। तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालते जाएंगे और इसका एक मीडियम सख्त आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं सख्त लगाना है, बस मीडियम ही लगाएंगे। तो ये देखिए, आटे को मैंने लगा लिया है कुछ इस तरह से। अभी इसको हम क्या करेंगे कि 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे एक साइड में, ताकि आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक चलिए हम बहुत ही टेस्टी चटपटी सी आलू मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, जिसका कि छिलका हटा के मैश करके ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से धनिया पत्ता, 2 हरी मिर्ची और थोड़े से प्याज को बारीक काट के डाल दिया है। इसी के साथ इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और कुछ मसाले भी डालेंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाले का पाउडर, भुने हुए जीरे पाउडर डाल देंगे और बहुत थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला का पाउडर। तो अब इन सभी मसालों को हम खूब अच्छे से आलू में मिला लेंगे। तो आप चाहें तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने हाथों से इसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया है, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं आलू के, छोटे बड़े चंक्स नहीं हैं, बहुत थोड़े से ही होंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा सा आलू मसाला बन करके तैयार हो चुका है। अभी के लिए इसको साइड में रख देते हैं। इधर हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सेट होकर के तैयार हो चुका है। तो अभी इसको हम हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे और मसल लेने के बाद में इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे, जिस तरह से हम पूड़ी के लिए लोइयाँ बनाते हैं उसी तरीके से। देखिए, तो कुछ इस तरह का चिकना सा पेड़ा भी बना के मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी एक पेड़े को हम लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ आटा छिड़क देंगे और इसको एक पूड़ी के जितना बड़ा सा बेल लेंगे। तो देखिए, एक कुछ इस तरह से मैंने पूड़ी के जितना बेला है। तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, जैसा बिल्कुल हम पूड़ी बेलते हैं उसी तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम आलू मसाला डाल देंगे और इसके किनारों में हम पानी लगा देंगे, ताकि इसको हम अच्छे से चिपका सकें। ये अच्छे से जब चिपक जाएंगे तो तेल में जब हम फ्राई करेंगे तो ये खुलेंगे नहीं। अभी इसको हम एक साइड से उठा के इस तरह से हाथों से, इस तरह से उंगलियों की सहायता से खूब अच्छे से इसे हमें दबा देना है। तो खूब अच्छे से इसको दबा लीजिएगा। तो ये देखिए, एक नाश्ता मैंने स्टफ करके तैयार कर लिया है। अब बाकी के सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाश्ते को स्टफ कर लिया है। चलिए अभी इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल यहाँ पर मैंने पहले से ही रख दिया है गर्म होने के लिए। तो तेल को बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है, हल्का सा जब गर्म रहेगा तभी इसमें हम एक एक करके नाश्ते को डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो हल्का गर्म में ही इसको हम फ्राई करेंगे, तभी जो हमारा नाश्ता है एकदम खस्ता और क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो अभी कुछ देर के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं सिकने के लिए।
जैसे ही हल्का सा सिक जाएगा, सेट हो जाएगा, तब इसको हम पलट देंगे। और जैसे ही हल्का सा जब इस तरह से सेट हो जाएगा, तब हम गैस की आंच को मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पर ही इसको अलटते पलटते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद में एक अच्छा सा कलर आ जाने तक और इसको क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का नाश्ते के ऊपर कलर आ गया है, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। ये अंदर तक पककर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको अभी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के जितने भी बचे हुए नाश्ते हैं हम एक ही तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी चटपटी एकदम नया नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।